हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू बी एडुकेर सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले सीमेंट वर्सेस एम बी एस सी डी दिन मेजर डिफरेंसेस विच वन इज द बेटर ओके okay, सो so आप मेरा साथ दीजिएगा इस पर्टिकुलर फाइट में और जानिएगा कि सीमेट बेहतर है या फिर एम बी किसके थ्रू हम टॉप बी स्कूल को टारगेट कर सकते हैं सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो भी आपके डाउट्स है यू कैन आस्क मी आस्किन बिलो कमेंट सेक्शन इवन आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आगे बढ़ते हैं गाइज न्यू बैच स्टार्टिंग एट बी ए केयर सो वन ऑफ प्रिपरेशन फॉर ऑल द एम बी एंट्रेंस एग्जाम यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस आप हमारे साथ सारी एम बी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो जस्ट लाइक कैट स्नैप एंड मैट सीमैट MAT, ATMA, CUET, PG, even MBA, CET, and others. एम बी एस एंड अदर्स इफ यू आर मुंबई बेस्ट जॉइनर्स एट डोमी घाटको पर एंड दादर इफ यू आर टेन इंडिया स्टूडेंट यू कैन इंट्रैक्ट लाइव आपको भी हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेस मिलने वाले और सारे अपडेट्स के लिए गाइस चैनल के साथ बने रहो सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट वन दी कंडक्टिंग बॉडी सो भाई सीमेट जो एग्जाम है ये नेशनल लेवल एग्जाम है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है नेशनल लेवल मतलब इंडिया की हर एक कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो अगर वो सीमेंट का स्कोर एक्सेप्ट करती है राइट right? सो so यहां आपको एक्सपोजर मिलना है नेशन वाइड वही सीईटी की बात करूं तो भाई ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है यानी कि एम बी के थ्रू आप सिर्फ महाराष्ट्र की जो बी स्कूल है उनको टारगेट कर सकते हो सीमेट कंडक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाइल भाई सीईटी का करता धरता है सीईटी सेल दी डी टी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भाई आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट दी एग्जाम एक्टिविटी भाई आपको इतना ध्यान रखना है कि सीमेंट का जो एग्जाम था प्रीवियसली ये होता था जैन और फेब मंथ में ठीक है और सीईटी का जो एग्जाम है यूजुअली ये होता है मार्च मंथ में सो भाई सीईटी तो ट्रैक पर वापस आ चुकी है सीमेंट अभी तक नहीं आया है लेकिन हाँ फिक्स रखना है दिमाग में कि भाई जैन फेब तक एग्जाम हो सकता है लेकिन अगर डिले हो जाता है तो भाई ये एग्जाम सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक भी चली जाती है सीई टी वीक ऑफ मार्च अब राइट टाइम पर है सो भाई आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना लेनी है जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो भाई जैन फेब मंथ दिमाग में रखो सीमेंट आएगा मार्च मंथ में आपका सीटी एग्जाम आएगा सीटी सीमेंट के बाद ही आने वाला है ठीक है थर्ड डिफरेंस द पेपर पैटर्न नाउ सीमेंट का जो पेपर पैटर्न है गाइस आप यहां देख सकते हो क्वांटिटेटिव एंड डेटा इंटरप्रिटेशन ट्वेंटी क्वेश्चन आपको मिलने वाले एटी मार्क्स के लिए फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के लिए लैंग्वेज कॉम्पिटेशन अगेन 20 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के लिए जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस 80 मार्क्स इनोवेशन एंड ऑन्टरप्रूनरशिप ट्वेंटी क्वेश्चन एटी मार्क्स ये देख रहे होगा इस ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन इसका मतलब है कि भाई इक्वल वेटेज अमंग ऑल दी सेक्शन सो भाई आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग जोन हो कोई भी वीक जोन हो इक्वल एफर्ट आप पुट कर सकते हो यहाँ हंड्रेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको फोर हंड्रेड मार्क्स के लिए तो भाई सीमेंट का एग्जाम बड़ा बेहतरीन है अब आगे बढ़ते गए सीईटी की बात करते है सीईटी के एग्जाम में कुछ अलग दिखने मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग सेवेंटी फाइव क्वेश्चन

करेक्ट आंसर को मिलेगा प्लस फोर रॉन्ग आंसर को मिलेगा माइनस वन तो भाई नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है वही सीई कहती है भाई कोई बात नहीं सारे क्वेश्चन आप अटेम्प कर सकते हो प्लस वन एंड जीरो नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम राइट गाइस फिफ्थ डिफरेंस पर आता है डिफिकल्टी लेवल तो भाई अब एग्जैक्टली exactly कौन सी एग्जाम काफी डिफिकल्ट है देखो गाइज एग्जाम तो भले ये दोनों एक ही तरह से है मैं इन दोनों को एक ही लेवल में एड करूंगा वो है इजी टू मोडरेट और यहां भी इजी टू मोडरेट अब भला क्यों अब भाई इन एग्जाम का जो कंटेंट है यही अपने आप में इनको डिफिकल्ट और इजी बनाता है वो कैसे गाइस सो सीमेंट की जो एग्जाम है ये भाई आपको थ्री आर के ड्यूरेशन के लिए मिलती है राइट सो एग्जाम आपका इजी क्यों हो जाता है एक तो हमने बात कर ली यहां इक्वल वेटेज मिलता है आपको सो भाई ईजी कैसे देखो भाई मैथ्स में समझ लो मैं हूं कमजोर मैं बराबर एफर्ट नहीं कर पा रहा ठीक है यहां मुझे ट्वेंटी क्वेश्चन ही मिल रहे हैं लेकिन अगर मैं मैथ्स में कमजोर हूं और मैं दे रहा हूं एम बी एस टी भाई यहां फिफ्टी क्वेश्चन मिल रहे हैं पंगा हो जाएगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन है यहां राइट लॉजिकल रीजनिंग अगर मेरा स्ट्रांग जोन है तो यहां मुझे ट्वेंटी क्वेश्चन नहीं मिल रहे यार क्वेश्चन और मिलने चाहिए थे लेकिन सीई की बात करूं लॉजिकल रीजनिंग अगर मेरा स्ट्रांग जोन है तो यहां मुझे सेवेंटी फाइव क्वेश्चन मिल रहे यहां मेरे परसेंटाइल आगे बढ़ सकते हैं तो भाई ये जो एग्जाम का नेचर है ये अपने आप में इनको इजी और मॉडरेट लेवल का बना देता है लेकिन फिर भी मैं कहूं सीमेंट का जो एग्जाम है ये एक्यूरेसी बेस वाला एग्जाम है आपका और ये भाई स्पीड बेस्ड एग्जाम है क्योंकि भाई टाइम यहां कम मिल रहा है यहाँ टाइम ज्यादा मिल रहा है सो इसी की वजह से भाई डिफिकल्टी लेवल जितने भी सिलेबस है सारे सिलेबस में भाई यहां अगर मैं क्वांट की बात करूं तो जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन यहां आते हैं तो सेम यहां भी आएंगे आपको ठीक है यहां बस एक ही चीज है कि भाई आपका जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है वो अलग हो जाता है तो भाई यहां आपका जो जीके है वो गेम चेंजर हो जाता है क्योंकि जीके का जो सिलेबस होता है वो काफी वास्ट होता है राइट सो so, पिक करना क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो भाई ओवरऑल आप इतना ध्यान रखो कि दोनों ही एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल की एग्जाम है और दोनों ही एग्जाम को आप बेस्ट बैकअप एग्जाम के तौर पर ट्राई कर सकते हो ठीक है गाइस अब आगे बढ़ते हैं टाइम ड्यूरेशन तो भाई हे एंड टोटोइस की स्टोरी तो सबको याद रहेगी तो आपकी जो सीमेंट की एग्जाम है ये भाई टोटोइस की जैसी ही है भाई इनके जैसे ही आपको चाल रखनी पड़ेगी यहाँ आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करना है स्पीड भले आपकी कितनी भी धीमी हो आराम से करो क्योंकि यहां आपको थ्री आवर्स मिल रहे हैं, हंड्रेड क्वेश्चन अटेम्प करने के लिए भाई एक क्वेश्चन के ऊपर तीन मिनट वाह और क्या चाहिए वहीं अगर मैं सीई की बात करूं तो यहां आपको भाई रैबिट की तरफ फास्ट दौड़ना पड़ेगा क्यों क्योंकि ये एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है और यहां आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं 200 और टाइम मिलेगा 150 फिफ्टी मिनट्स ओनली तो भाई स्पीड तो अच्छी रखनी पड़ेगी तो यहां आपको स्पीड पर फोकस करना है तो सीमैट में आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है ओके गाइस अब आप देख सकते हो इनका नेचर ही तो इनको अलग बना रहा है अब आगे बढ़ते हैं सेवेंथ डिफरेंस दिस सिलेबस सो गाइस सिलेबस मेजर ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्वांट जो लेवल का आपका सीमेंट में आएगा वही आपका सीटी में भी आएगा यहां भी डी होगा तो यहां भी डी आपको आएगा लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं दोनों सेक्शन में बराबर है लेकिन यही है कि भाई यहां क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं यहां क्वेश्चन कम आ रहे हैं लैंग्वेज कॉम्पिटिशन बराबर है जनरल अवेयरनेस इनोवेशन ऑन्टरप्रोनरशिप ये थोड़ा अलग हो जाता है यहां और यहाँ सीई में आपको एबस्ट्रैक्ट रीजनिंग पर थोड़ा काम करना पड़ेगा तो सिलेबस दोनों एग्जाम को लेकर थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा बिल्कुल नहीं लेकिन मैनेजेबल है आप अगर सीमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो या सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो मैनेजेबल है भाई आप दोनों का प्रिपरेशन कर सकते हो आगे बढ़ते एट डिफरेंस दिन पार्ट अब यहां सीईटी इस रेस में काफी आगे ऑब्वियसली यार आगे ही होगा रैबिट की तरफ भागना पड़ रहा है राइट सो so, सीटी को लेकर कंपटीशन जरूर टफ होता है गाइज यहां हर साल वन लाख एंड ट्वेंटी थाउजेंड प्लस एस्पिरेंट्स अपियर ईच ईयर तो भाई वन लैख सिक्सटी थाउजेंड भी हमने देखे टू थाउजेंड ट्वेंटी में फिर बाद में वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड भी देखे ऑलमोस्ट वन लैख के ऊपर ही सारे कैंडिडेट रहेंगे इतना आप

वही सीई की अगर बात करूं देन आपको 330 प्लस कॉलेजेस मिलती है जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है यहां आपको लो फीस वाली एंड हाई प्लेसमेंट वाली भी कॉलेजेस मिलेगी ठीक है वहीं अगर मैं सीई की बात करूं देन यहां भी आपको लो फीस एंड हाई प्लेसमेंट वाली कॉलेजेस मिलेगी सीमेंट के थ्रू आपको ऐसी कुछ कॉलेजेस मिलेंगी जो पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफर करती है वहीं अगर मैं बात करूँ सीई के थ्रू तो आपको ऐसी कॉलेजेस मिलने वाली है जो एम एम बी की डिग्री प्रोवाइड करने वाले हैं सो ओवरऑल भाई यहां फी स्ट्रक्चर काफी हद तक कम भी होगा और यहां कुछ टॉप कॉलेजेस की फी स्ट्रक्चर काफी हद तक हाई भी होगी ठीक है गाइस सो ओवरऑल सीमेंट के थ्रू मैक्सिमम जो कॉलेजेस है वो पीजीडीएम का प्रोग्राम ऑफर करते हैं वाइल एम और एमएमएस की डिग्री के लिए आपको महाराष्ट्र की टॉप कॉलेजेस को टारगेट करना होगा ओके okay, गाइस देखो सीमेंट के थ्रू आप सीई की कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हो क्योंकि जो सीटी का सेलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वहां सीमेंट का भी स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है यानी कि ये जो कॉलेजेस है वो सीमेंट का स्कोर भी एक्सेप्ट करेगी लेकिन उसके लिए आपका जो कट ऑफ है सीमेंट में बेहतरीन होना चाहिए ओके गाइस चलो यार कॉलेजेस की बात कर ही तो थोड़ा कट ऑफ की भी बात कर लेते भाई आउट ऑफ 200 आपको लाना है 132 140 प्लस जाके आपके 99% परसेंटाइल बनेंगे वही सीमेंट की बात करूं देन आउट ऑफ 400 आपका जो स्कोर होना चाहिए 330 प्लस 300 से 330 तक हो बेहतरीन परसेंटाइल आपके बन जाएंगे ओके गाइस सो इट्स अप टू यू कि भाई मुझे कौन सी कॉलेजेस टारगेट करनी है सीमेंट के थ्रू या सीईटी के थ्रू अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंस दिस सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसेस सो के थ्रू भाई जो selection process होता है ये depend करता है ये डिपेंड करता इंडिविजुअल कॉलेज की पॉलिसी के ऊपर वही सीई की बात करें देन सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आपको सारी कॉलेजेस मिलती है यानी कि थ्री थर्टी प्लस जो कॉलेजेस है सबको आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो विदाउट उनके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए बस एक ही फॉर्म फिलअप करना है वो है कैप राउंड का फॉर्म वही सीमेंट के थ्रू सीमेंट का तो फॉर्म भरोगे ही लेकिन इंडिविजुअल कॉलेज जो है उनके भी आपको रिस्पेक्टिव फॉर्म फिलअप करने होंगे सो so, ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस टारगेट नहीं कर सकते लेकिन सीटी में आप मैक्सिमम कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो ओके गाइस सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया सीमेंट के थ्रू यहां इंक्लूड हो सकता है जीडी यहां इंक्लूड हो सकता है वैट एंड इवेंट पर्सनल इंटरव्यू वही अगर सीटी के थ्रू आप एमएमएस और एमबीए प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो देर इज नो जीडी लेक्शन प्रोसेस का कोई पैरामीटर नहीं है सो गाइज दैट इट ये रहा पूरा डिफरेंस अबाउट द सीमैट एंड सीईटी अब कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताना है कि आप किस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो गाइज आई दीमैट और सीईटी एंड इफ यून अ प्रिपरेशन फॉर द सीमेट एंड सीईटी सो so भाई आप हमारे साथ बैचेस जॉइन कर सकते हो यू कैन अस एट डोंबिवली घाट को दादर फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स एंड इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट इंटरेक्ट लाइव विद अस कॉल ऑन एट थ्री एट थ्री एट वन एट 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 डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप वेर यू विल गेट फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन फॉलो अस ऑन यूट्यूब फेसबुक इंस्टा एंड टेलीग्राम ऑल द बेस्ट फॉर करियर सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो